हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मेडिको हेल्प में, जहां आप पाते हैं मेडिकल की संपूर्ण जानकारी। आज हम बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ग्रुप की एक यूनिक मेडिसिन मिथाइल डोपा की। आगे वीडियो में बात करेंगे मिथाइल डोपा टेबलेट क्या है, इसके प्रमुख ब्रांड नेम यानी यह दवा किन किन नामों से मार्केट में आती है, क्या इस दवा के यूज़ हैं, वह साइड इफ़ेक्ट किस प्रकार रहते हैं, दवा से रिलेटेड वार्निंग्स पर भी चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में पूरी जानकारी के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मिथाइल डोपा एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है। यह सेंट्रली एक्टिंग अल्फा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, जिसका यूज़ अकेले या कभी कभी हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड मेडिसिन के साथ किया जाता है। मिथाइल डोपा टेबलेट 250 मिलीग्राम व 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मौजूद है, जिसका यूज़ फिजिशियन द्वारा पेशेंट की स्थिति के अकॉर्डिंग किया जाता है। मिथाइल डोपा टेबलेट अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में आती है, जैसे एल्डोमेट 250, अल्फा डोपा, मिथाइल केयर, मिथाइल डोपा। ब्रांड नेम एरिया वाइज अलग अलग हो सकते हैं। मिथाइल डोपा 250 मिलीग्राम टैबलेट का प्राइस 24 से 25 रुपये पर स्ट्रिप हो सकता है व 500 mg टैबलेट का प्राइस 46 से 50 रुपये पर स्ट्रिप हो सकता है। मिथाइल डोपा टैबलेट का यूज़ हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्तियों में किया जाता है व प्रेग्नेंट वुमेन जिनमें प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो इस दौरान भी मिथाइल डोपा टैबलेट का यूज़ किया जाता है। यह प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सेफ मेडिसिन मानी जाती है। यह दवा ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कराकर अपना कार्य करती है। दवा का असर 2 से 4 घंटे में शुरू हो जाता है व 14 से 20 घंटे तक ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखता है। डॉक्टर द्वारा मिथाइल डोपा दवा का यूज़ अदर कंडीशन में भी कराया जा सकता है। मिथाइल डोपा टैबलेट लेने के बाद साइड इफ़ेक्ट के रूप में चक्कर आना, सिर दर्द होना, कमजोरी महसूस होना व स्टफी नोज जैसे साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट अधिक होने पर डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क करना चाहिए। मिथाइल डोपा टैबलेट की डोज पेशेंट के अकॉर्डिंग तय की जाती है। सामान्यतः 250 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 2 बार लेने की सलाह 24 घंटे तक दी जा सकती है व ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना होने पर डोज बढ़ाई व घटाई भी जा सकती है। किसी व्यक्ति में अन्य कोई कंडीशन जैसे लीवर, किडनी, हार्ट से रिलेटेड संबंधित कोई शिकायत हो तो मिथाइल डोपा टैबलेट लेने से पहले डॉक्टर को इसकी जानकारी दें व अगर व्यक्ति किसी अदर मेडिसिन का यूज़ कर रहा हो तो इस दौरान भी डॉक्टर को यह जानकारी देनी ज़रूरी हो जाती है। लीवर से संबंधित विकारों से ग्रस्त लोगों में सामान्यतः तो मिथाइल डोपा टैबलेट का यूज़ नहीं किया जाता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो मिथाइल डोपा टैबलेट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।